यूपी में टेरर फंडिंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई के लिए टेरर फंडिंग करने वाले मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को पकड़ा है, जो नेपाल के बैंकों का अकाउंट हैक करके करोड़ों रुपए निकालते थे। यूपी एटीएस ने इन 3 आरोपियों को मुंबई से गिरफ्तार किया है। हैकिंग से टेरर फंडिंग को अंजाम देने वालों में 2 नाइजीरियन और अर्जुन अशोक खराड़े नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया है, जिन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लिया जाएगा। दिवाली से पहले दुश्मन भारत में नापाक साजिश रच रहा है। उत्तराखंड में आतंकी घुसपैठ का इनपुट मिला है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और एक्शन मोड जारी है। इनपुट के हिसाब से आतंकवादी नेपाल सीमा के जरिए भारत में घुसपैठ कर सकते हैं, जिसके बाद भारतीय एजेंसियों ने नेपाली एजेंसियों के साथ जानकारी साझा की है। साथ ही नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। कमलेश के हत्यारों का इरादा था कि वो आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर कत्ल का वीडियो बनाए। कातिलों ने कबूला कि उन्होंने सिर्फ 1.5 मिनट में कमलेश तिवारी को मौत के घाट उतार दिया था। कमलेश के हत्यारों ने वारदात से पहले लखनऊ के शाह मीना की दरगाह पर इबादत भी की थी और वारदात के दिन भी मेडिकल स्टोर से घायल मोइनुद्दीन के लिए अशफाक ने सामान खरीदा था, जिसके बाद बरेली भागकर हत्यारे कादरी होटल में 2 घंटे के लिए रुके थे। कमलेश के हत्यारों ने बताया कि कमलेश के ऑफिस में तैनात सुरक्षाकर्मी सो रहा था। कत्ल के बाद कातिल भागते भागते ट्रेन से पुरानी दिल्ली पहुंचे थे और एक दिन नेपाल में भी रुके थे और ट्रक में बैठकर गुजरात बॉर्डर पहुंचे थे। कमलेश तिवारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्याकांड के आरोपी करना चाहते थे लखनऊ में सरेंडर। गुजरात एटीएस के दबाव में दोनों आरोपी पहुंचे गुजरात। 20 और 21 अक्टूबर की रात को हत्या में शामिल अशफाक ने अपनी पत्नी से फोन पर की थी बात। परिवार से बातचीत के लिए लॉरी ड्राइवर के फोन का किया गया था इस्तेमाल। एबीपी गंगा के पास मौजूद है बातचीत का ऑडियो। शाहजहांपुर में अल्कोहल से भरा टैंकर पलटने से आग लग गई। दरअसल ये टैंकर अल्कोहल से भरा था, जो अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। इसमें आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। टैंकर पलटने की घटना शाहजहांपुर सीतापुर हाईवे की है। इस हादसे के बाद टैंकर चालक और कंडक्टर मौके से फरार हो गए, जबकि टैंकर में बैठे एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर में प्रशासन ने मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लगातार जारी है। टीम ने साठा मंडी के पास एक घर में छापा मारा, वहां बन रही मिठाइयों के नमूने जांच के लिए भेजे। पकड़ी गई मिठाइयां दुकानों के बजाय घर में बन रही थी। यहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने रंगीन छेना के रसगुल्ले समेत कई मिठाइयों के नमूने लिए। ये मिलावटी मिठाई दुकानदार ऑर्डर देकर तैयार करवा रहे थे। यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा में जारचा पुलिस और भैंस चोरी कर भाग रहे बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 3 भैंस चोरों को गोली लगी, जबकि 3 बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस की माने तो फरार बदमाशों की कॉम्बिंग जारी है और मुठभेड़ में घायल बदमाशों का इलाज किया जा रहा है। गिरफ्तार बदमाश हापुड़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एटा में 108 एम्बुलेंस में मरीजों को ले जाने वाली गाड़ी सवारियों को ले जा रही है। दीपावली के त्यौहार के चलते एम्बुलेंस ड्राइवर कमाई करने में लगे हैं। बड़ा सवाल, अगर सवारियों से पैसे कमाएंगे तो 108 पर फोन करके कैसे पहुंचेगी एम्बुलेंस? मेरठ में थाने पहुंचकर व्यापारी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। नाराज लोगों की पुलिसकर्मियों के साथ जबरदस्त झड़प हुई। इस बीच व्यापारी नेता दारोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी तक देते नजर आए। यह हंगामा अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस को लेकर हुआ। नाराज व्यापारियों की माने तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, जिसके बाद नाराज व्यापारियों ने थाने में जमकर बवाल काटा। बीजेपी संसदीय बोर्ड का फैसला। महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम में नहीं होगा कोई बदलाव। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के सीएम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, वहीं देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर साउथ वेस्ट सीट पर जीत दर्ज की है। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मनाया गया जीत का जश्न। मोदी शाह ने जताया कार्यकर्ताओं का आभार। अमित शाह ने संबोधन में कहा, मोदी 2 में दोनों चुनाव में बीजेपी की हुई जीत, बनाएंगे पूर्ण बहुमत की सरकार। यूपी विधानसभा उपचुनाव 11 सीटों में से 7 पर बीजेपी की जीत। सहयोगी अपना दल ने भी जीती 1 सीट। समाजवादी पार्टी ने किया 3 सीटों पर कब्जा। बसपा और कांग्रेस का नहीं खुला खाता। चुनाव नतीजों पर बोली प्रियंका वाड्रा, हरियाणा के नतीजों से हूं खुश। यूपी में भी बड़ा है हमारा वोट प्रतिशत। गंगोह में कांग्रेस प्रत्याशी की हार में लगाया गड़बड़ी का आरोप।
हरियाणा में किसी भी पार्टी को नहीं मिला पूर्ण बहुमत, भाजपा को मिली 40 सीटें तो कांग्रेस को 31 सीटों पर बढ़त, जेजेपी 10 सीटों के साथ निभा सकती है किंग मेकर की भूमिका, दुष्यंत चौटाला ने नहीं खोले पत्ते। समर्थन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के जननायक जनता पार्टी से संपर्क में होने की खबरों के बीच हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन का बयान, कहा दुष्यंत चौटाला को अभी लंबा रास्ता करना है तय, उन्हें समझदारी से लेना चाहिए फैसला। इससे पहले दुष्यंत ने कहा था जो मुख्यमंत्री की कुर्सी देगा जननायक जनता पार्टी उसी को देगी समर्थन। कांग्रेस के बागी नेता अशोक तंवर का छलका दर्द, चुनाव नतीजों पर बोले अशोक तंवर, दिल खुश है लेकिन रो रही है आत्मा, कहा अगला मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी से बनेगा। लगातार तीसरी बार गढ़ी सांपला किलोई सीट से जीते भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीजेपी के अपने करीबी प्रतिद्वंदी सतीश नांदल को 58,000 वोटों से हराया, नतीजों पर बोले हुड्डा, जनादेश भाजपा के खिलाफ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल विधानसभा सीट से जीत, 65 साल के खट्टर ने कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोचन सिंह को दी 45,188 वोटों से मात, चुनाव नतीजों से पहले खट्टर ने किया था दावा 1,00,000 की बढ़त बनाएंगे। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा का बड़ा दावा, कहा 6 निर्दलीय विधायक भाजपा के साथ, विधायकों को जुटा रहे हैं गोपाल कांडा, एबीपी न्यूज से बातचीत में किया दावा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने किया स्पष्ट, कहा इनेलो कभी नहीं देगी कांग्रेस को समर्थन, अभय चौटाला का आरोप, कहा कांग्रेस पार्टी ने षड्यंत्र के तहत किया इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और भाई अजय चौटाला को जेल के अंदर, झूठे केस में फंसाकर दिलाई सजा, पार्टी कार्यकर्ता कांग्रेस को कभी नहीं करेंगे क्षमा, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। साथ लड़ने के बावजूद घट गई बीजेपी शिवसेना की सीटें, बढ़ी कांग्रेस एनसीपी की ताकत, चुनाव लड़ने और जीतने वाले परिवार के पहले सदस्य बने आदित्य ठाकरे, महाराष्ट्र की वर्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रतिद्वंदी डॉक्टर सुरेश माने को हराया। रामपुर में तंजीम फातिमा की जीत, जीत के बाद समाजवादी पार्टी में मना जश्न, आजम खान के बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला आजम ने भी जीत पर जनता का शुक्रिया अदा किया, भाजपा प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता को लगभग 7,000 वोटों से हराया। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा जेजेपी हो या फिर आईएनएलडी, सबको कांग्रेस के साथ मजबूत सरकार बनानी चाहिए, मेरा वादा है कि सभी दलों को समान मान सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रशासन के जरिए जीते हुए निर्दलीय लोगों को रोकने का काम कर रही है, हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने किसी के साथ को नहीं निभाया जबकि हमने सबका साथ निभाया। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि हम जानते थे कि भाजपा की जमीन उखड़ चुकी है, हमने चुनाव में लोगों के मुद्दों की बात की और हरियाणा के लोगों का विश्वास कांग्रेस पार्टी में दिखा है। हरियाणा की कैथल सीट से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए, पहले वो उपचुनाव हारे थे अब उन्हें दोहरी हार मिली है, रणदीप सिंह सुरजेवाला को इस चुनाव में सिर्फ 567 वोटों से हार मिली है। हार मिलने के बाद सुरजेवाला ने अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी के लीलाराम को जीत की बधाई देते हुए कहा कि उम्मीद है कि कैथल का विकास होगा। हरियाणा की आदमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट चुनाव हार गईं। आदमपुर में कांग्रेस उम्मीदवार कुलदीप बिश्नोई ने जीत दर्ज की। आदमपुर सीट बिश्नोई परिवार का गढ़ मानी जाती है, यहां अब तक 12 बार बिश्नोई परिवार का ही सदस्य विजयी रहा है, कुलदीप बिश्नोई इस सीट से चौथी बार जीते हैं। पहलवान योगेश्वर दत्त राजनीति के दंगल में चुनाव हार गए, मरोदा से भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर को कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा ने शिकस्त दी, शुरुआती रुझानों में योगेश्वर दत्त आगे चल रहे थे लेकिन जैसे जैसे राउंड बढ़ते गए वो कांग्रेस प्रत्याशी से पिछड़ते चले गए। चुनाव नतीजों पर बोले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, ताकतवर राष्ट्रवाद को हराएगी शांतिपूर्ण देशभक्ति, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को मिला बहुमत, हरियाणा में बीजेपी बहुमत से रही दूर, 40 सीटों पर सिमटी बीजेपी, बहुमत से 5 सीटें पीछे रह गई भाजपा, कांग्रेस की 31 और जेजेपी को मिली 10 सीटों पर जीत। आगरा में पटाखे व्यापारियों ने जिलाधिकारी आवास पर जमकर हंगामा किया और प्रशासन पर पटाखे बेचने के लाइसेंस देर से देने का आरोप लगाया। बस्ती में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने सरकारी दफ्तरों में औचक निरीक्षण किया जहां बिगड़ी व्यवस्था को लेकर वो बिफर पड़े। डीएम ने जल निगम कार्यालय में लापरवाही को लेकर अधिशासी अभियंता को जमकर फटकार लगाई। डीएम के गुस्से को देख जल निगम कार्यालय सहम गया। डीएम के निरीक्षण में 7 कर्मचारी लेट से ऑफिस पहुंचे जिन पर डीएम ने उनके एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया है।
नोएडा में ऑपरेशन क्लीन 19 चलाया गया, जिसके तहत करीब 90 पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई। पंप पर लगे कैमरे और सुरक्षा उपकरणों को चेक किया गया। साथ ही एक पंप पर गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन 18 के तहत कार्रवाई करते हुए 603 कबाड़ियों की दुकान से 24 चोरी के दो पहिया वाहन, 3 चार पहिया वाहन, 2 क्विंटल सरिया के साथ 4 इंजन बरामद किए हैं। साथ ही 18 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। दिवाली से पहले यूपी पुलिस के मुखिया ने सराहनीय पहल की। डीजीपी ओपी सिंह ने निर्देश दिए हैं कि यूपी के थाने मिट्टी के दीयों से रोशन होंगे, ताकि कुम्हारों के लिए अच्छी दिवाली हो। बाराबंकी में 10 दिन चलने वाले देवा महोत्सव खत्म हो गया है। आतिशबाजी और जश्न के साथ ये महोत्सव खत्म हुआ। इस खास मौके पर बाराबंकी के डीएम, सीडीओ और एडीएम जैसे खास अधिकारी भी मौजूद रहे। दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस के त्योहार की धूम है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इसके लिए देश भर में बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। इस विशेष मुहूर्त में घर, गहने, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े आदि खरीदना लाभकारी माना जाता है। भारत में कारोबार करना अब और आसान हो गया है। वर्ल्ड बैंक इज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 रैंकिंग की सुधार के साथ भारत 63वें नंबर पर पहुंच गया है। साल 2014 में जब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी थी, तब भारत की रैंकिंग 190 देशों में 142वें स्थान पर थी। पिछले साल भारत की रैंकिंग 77 पर पहुंच गई थी। पाकिस्तान को करतारपुर तीर्थ यात्रा से 3,65,00,000 डॉलर की सालाना आय होने का अनुमान है। पाकिस्तान हर श्रद्धालु से लेगा 1,419 रुपए। भारत के आग्रह के बावजूद पाकिस्तान तीर्थ यात्रियों से $20 यानी करीब 1,419 रुपए वसूलने के अपने फैसले पर अड़ा रहा। अगले महीने 10 नवंबर से गलियारा खोल दिया जाएगा। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर समझौते पर भारत पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर। हर श्रद्धालु से $20 लेगा पाकिस्तान। श्रद्धालु पैदल जाएंगे और उन्हें एक दिन में करनी होगी वापसी। यात्रा से 10 दिन पहले श्रद्धालुओं की सूची पाकिस्तान को देगा भारत। 4 दिन पहले पाकिस्तान देगा श्रद्धालुओं को अप्रूवल। खबर है कि भारतीय सेना के एक्शन के बाद पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भारत को मुंहतोड़ जवाब देने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि हम भारत के हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज ने आरोप लगाया था कि उनके पिता के शरीर से प्लेटलेट्स में कमी होने का कारण जहर देना भी हो सकता है, और अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो आप जानते हो कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि तुर्की और सीरिया के बीच सीज फायर स्थायी करने पर पूरी तरह से सहमति बन गई। ऐसे में तुर्की से सारे प्रतिबंध हटा लिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी है कि तुर्की सीरियाई सीमा पर बड़ी सफलता हासिल हुई है, सेफ जोन बना दिया गया है। ट्रंप ने कहा कुर्द सुरक्षित है। फैजल बिन रहमान को सऊदी अरब का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। फरहान को इब्राहिम अल असाद की जगह नया विदेश मंत्री बनाया गया। अंटार्कटिका के एक बेहद बड़े आइसबर्ग में 2 बड़ी दरारें सामने आई हैं। इस दरार की तस्वीरें यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिक सेंटिनल उपग्रह ने ली है, जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है। तस्वीरों में साफ तौर पर पश्चिम अंटार्कटिक की बर्फ की चादर में 2 बड़ी दरारें दिख रही हैं, जो 20 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। ये दरारें पाइप द्वीप ग्लेशियर पर दिखाई दे रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दरारों से एक नया आइसबर्ग बन सकता है। ईएसए रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस तेजी से बर्फ प्रतिदिन 10 मीटर से अधिक बढ़ रही है, उसी की वजह से 1992, 1995 और 2001, 2007, 2013, 2015, 2017 और 2018 में बड़ी आपदा आई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में एक टिकटॉक स्टार हरीम शाह के घुसने और वहां वीडियो बनाने को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस रूम में टिकटॉक स्टार ने वीडियो बनाकर शेयर कर दिया, जो तेजी से वायरल हो रहा है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह पाकिस्तान के पीएम इमरान खान से लेकर सरकार के हर मंत्री के साथ वीडियो बना चुकी हैं। टिकटॉक ऐप पर उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वहीं ये वीडियो वायरल होते ही लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 अंक चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंचा भारत। 190 देशों की सूची में पिछले साल 77वें स्थान पर था इंडिया। सरकार के आर्थिक और प्रशासनिक प्रयासों को मिली सफलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अगले साल 50 प्रमुख देशों की सूची में भारत को लाने की तैयारी।
गूगल ने ऐलान किया है कि कंपनी ने क्वांटम सुपरमेसी हासिल कर ली है। क्वांटम सुपरमेसी से ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग को पूरी तरह से बदला जा सकता है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, गूगल ने पॉपुलर साइंटिफिक जर्नल नेचर में एक नया आर्टिकल पब्लिश किया है। क्वांटम सुपरमेसी सुपर कंप्यूटर से कई गुना तेज है। सेमी इन्फॉर्मेटिक्स कंपनी ने टफन ग्लास के साथ स्मार्ट टीवी लॉन्च किया। ये स्मार्ट टीवी एंड्रॉइड पर चलता है और ये 32 इंच का है। इसे सिर्फ ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। इसकी कीमत 5,999 रुपए है। कंपनी इस टीवी को अलग तरीके से बेचती है। इसे खरीदने के लिए कस्टमर को ऐप डाउनलोड करना होगा, इसके बाद आधार नंबर दर्ज कराना होगा, तभी इसे खरीद पाएंगे। हुंडई ने सेंट्रो का स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च कर दिया है। इस नई सेंट्रो मैनुअल गियरबॉक्स वाले मॉडल की कीमत 5,17,000 है और AMT मॉडल की कीमत 5,75,000 रुपए है। सेंट्रो के एनिवर्सरी एडिशन में रूफ रेल्स, आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स और डोर हैंडल्स पर ग्लास ब्लैक फिनिश दिया गया है। कार के व्हील कवर्स डार्क ग्रे कलर में है। हाल ही में किसी भारतीय द्वारा 50 ओवर क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले संजू सैमसन को बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 सदस्य टीम में शामिल किया गया है। टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करेंगे, जबकि विराट कोहली को आराम दिया गया है। मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे को पहली बार भारतीय टीम में जगह मिली है। हॉरर कॉमेडी में नजर आएंगी कियारा आडवाणी। कहा, कभी नहीं सोचा था करूंगी ये जॉनर। शाहिद कपूर के साथ कबीर सिंह जैसी हिट फिल्म देने के बाद कियारा आडवाणी के पास कई बड़े बजट की फिल्मों के ऑफर हैं। इस समय कियारा आडवाणी के पास दो बड़ी फिल्में हैं और खास बात यह है कि ये दोनों ही फिल्में हॉरर कॉमेडी फिल्में हैं। फिल्म मोतीचूर चकनाचूर का नया गाना हुआ रिलीज। सनी लियोनी संग रोमांस करते दिखे नवाजुद्दीन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही फिल्म मोतीचूर चकनाचूर में नजर आएंगे। हाल ही में फिल्म का गाना रिलीज किया गया, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक्ट्रेस सनी लियोनी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्में और उनकी एक्टिंग सात समंदर पार भी फैंस के बीच मशहूर है। बहुत जल्द नवाजुद्दीन वेल्स में आयोजित कार्डिफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2019 में सम्मानित किए जाएंगे। सिनेमा जगत में अपना योगदान देने के लिए नवाजुद्दीन को ये सम्मान मिलेगा। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ट्रेलर में सलमान चुलबुल पांडे के किरदार में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां वो गुंडों की पिटाई करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉमेडी का तड़का लगाते और रोमांस करते भी नजर आ रहे हैं। सलमान खान की दबंग 3 का ट्रेलर का फैंस के बीच बहुत क्रेज है। ट्रेलर को लॉन्च होते ही चंद मिनटों में ही हजारों लाइक मिल गए। सोशल मीडिया पर ट्रेलर खूब वायरल हो रहा है। सलमान खान की दबंग 3 का ट्रेलर का फैंस के बीच बहुत क्रेज है। ट्रेलर को लॉन्च होते ही चंद मिनटों में ही हजारों लाइक मिल गए। सोशल मीडिया पर ट्रेलर खूब वायरल हो रहा है। सलमान खान दबंग 3 में मुन्ना बदनाम हुआ लेकर आ रहे हैं। मुन्ना बदनाम हुआ में सलमान एक्ट्रेस वरीना हुसैन के साथ ठुमके लगाते नजर आएंगे। सलमान ने बताया कि फिल्म में इस आइटम नंबर का आइडिया उन्हीं का था। उजड़ा चमन के निर्माताओं ने फिल्म को नई तारीख में रिलीज करने का फैसला कर लिया है। 8 नवंबर को रिलीज होने वाली उजड़ा चमन अब एक हफ्ते पहले यानी 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। फिल्म जलीकट्टू देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। लंदन फिल्म फेस्टिवल में केरल के बैड बॉय से संबोधित किए गए लिजो की ये कहानी बेहद दिलचस्प है। कहानी का मेन किरदार एक भैंस है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलिया भट्ट और रणवीर 2 हफ्तों में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। कपल फ्रांस में शादी करेगा। उनकी शादी के लिए शेफ ऋतु डालमिया को कैटरिंग के अरेंजमेंट के लिए अप्रोच किया गया है। शाहिद कपूर ने प्रियंका चोपड़ा को रिलेशनशिप एडवाइस दी है। एक चैट शो में जब शाहिद से प्रियंका को परफेक्ट रिलेशनशिप एडवाइस देने को कहा गया तो शाहिद ने कहा, दोनों को एक दूसरे के बैकग्राउंड को अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। फिल्म हाउसफुल 4 की रिलीज से पहले फिल्म की स्क्रीनिंग में अक्षय कुमार के बेटे आरव, रितेश देशमुख, कीर्ति खरबंदा, शरद केलकर सहित कई स्टार्स पहुंचे। इस दौरान रितेश ने हाउसफुल 4 कास्ट का एक फनी वीडियो शेयर किया।
वीडियो में स्क्रीनिंग के दौरान फिल्म की स्टार कास्ट सोते हुए नजर आ रही है। सभी सेलेब्स नाइट ड्रेस में नजर आए, वहीं अक्षय के बेटे डैशिंग लुक में दिखे। फिल्म वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में फिल्म की पूरी टीम ने बॉक्स ऑफिस सफलता को सेलिब्रेट करने के लिए एक सक्सेस बैश का आयोजन किया। सक्सेस पार्टी में अभिनेत्री दिशा पटानी भी अपने खास दोस्त टाइगर श्रॉफ के साथ शिरकत करने के लिए पहुंची। इस दौरान पूरी टीम ने काफी मस्ती की। मलाइका अरोड़ा के बर्थडे बैश का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने बर्थडे का केक काटने के बाद सबसे पहले बेटे को खिलाती है, उसके बाद बहन अमृता सिंह उन्हें केक खिलाती नजर आ रही हैं। इस पार्टी में अर्जुन कपूर जमकर डांस करते नजर आए। उनके डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा भट्ट अपनी अगली फिल्म सड़क 2 को लेकर चर्चा में हैं। पूजा ने अपने इंस्टाग्राम पर किसी भी चीज की लत से पीछा छुड़ाने के बारे में एक पोस्ट लिखा, कहा कि अगर आप इसमें परेशान होते तो इसमें हिम्मत मत हारो और चलते रहो। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।